कैरेक्टर मतलब हमारे मन में हमारी छवि क्या है, रेपुटेशन मतलब दूसरों की नजर में हमारी छवि क्या है, वॉट अदर्स थिंक ऑफ अस दैट इज रेपुटेशन, वॉट वी थिंक ऑफ आर सेल्स इज कैरेक्टर. अक्सर हम रेपुटेशन में अटके रहते हैं और हम वो काम करते हैं जो दूसरों को अच्छा लगे, उस चक्कर में हम खुद को खो देते हैं. और अक्सर दुनिया जो है वो सब प्रतिष्ठा की मारी है, इट्स ऑल अबाउट रेपुटेशन. सो पीपल आर बाइंग क्लोथ्स बिकॉज दे वॉन्ट टू लुक गुड नॉट इन द आईज बट इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड. दे वॉन्ट टू स्पीक अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक भाषा बोलते हैं अपने बारे में अच्छा फील होने के लिए नहीं, लेकिन दूसरों की नजर में हम अच्छे लगें इसके लिए वो भाषा बोलते. तो आधी से ज्यादा जिंदगी लोगों की एक बनावटी जिंदगी हो रही है, वे दे आर नॉट बट दे आर प्रोजेक्टिंग व्हाट दे आर नॉट. आप जो हो अगर वो बता दिया लोगों को और फिर वही इमेज लोगों के मन में है, देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रेपुटेशन एंड द कैरेक्टर. सूरज आ रहा है और सूरज की से आपकी एक छवि बन रही है, एक छाया बन रही है, आप उस छाया से खेल सकते हो. एक स्टूल पे खड़े हो जाओ, आपकी हाइट बड़ी हो जाएगी. आप थोड़ा नजदीक चले जाओ, छाया लंबी हो जाएगी. थोड़ा और इधर आ जाओ, छाया छोटी हो जाएगी. और आप उस छाया को बताते हो कि आप वो हो, एक्चुअली आप वो नहीं हो, आप तो ये हो. सो यू आर द कैरेक्टर, योर शैडो इज द रेपुटेशन. द बेस्ट थिंग इज जब आप जो हो उसकी छवि जाती है, एक्चुअली दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू. जिस ढंग से आप काम करते हो, अगर लोगों को समझ में आ गया यही आप हो, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू. सो make your processes better, make your way of functioning better, and then project the same thing to the world. Fir koi difference nahi hai, banda fault kitna bhi ho jaye, logon ko maloom hai aap kaun ho. Dogli zindagi jeene ki zarurat nahi hai.